पाकिस्तान एक ऐसा देश जो वर्ष 1947 में भारत से अलग होकर अस्तित्व में आया था। आज इस देश की पहचान पूरी दुनिया में दो चीजों के लिए है, एक है पाकिस्तान का आतंकवाद और दूसरा है वहां की घटती अल्पसंख्यक समुदाय। एक तरफ जहां पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं की संख्या आज लगातार कम हो रही है और पाकिस्तान में हिंदू मंदिर और लोग तेजी से गायब भी हो रहे हैं, लेकिन इसी पाकिस्तान की जमीन पर एक हिंदू राजा भी रहता है और वो बड़े ही शान से आज भी पाकिस्तान की जमीन पर अपना हुकूमत चलाता है। इनका नाम है राणा हमीर सिंह, जो आज पाकिस्तान के एकमात्र हिंदू राजा हैं। उनकी शान और शौकत ऐसी है कि पाकिस्तान के भीतर के मुसलमान भी उनकी सुरक्षा करते हैं। दरअसल राणा हमीर सिंह उमरकोट रियासत से हैं। ये रियासत देश के बंटवारे से पहले हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करती थी। जिस पाकिस्तान में आज हिंदू होना एक पाप से कम नहीं है, उसी पाकिस्तान में आपको जानकर हैरानी होगी कि आज राणा हमीर सिंह पाकिस्तान में शान और शौकत के साथ रहते हैं। राणा हमीर सिंह पाकिस्तान के अमरकोट के शासक परिवार से हैं और इनके पिता का नाम है चंद्रपाल सिंह, जो पाकिस्तान में 7 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। आज भी राणा हमीर सिंह का परिवार राजा की तरह अपनी जिंदगी पाकिस्तान में जीता है। राणा हमीर सिंह के पिता चंद्र सिंह पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फीकार अली भुट्टो के करीबी मित्र माने जाते थे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता भी थे, हालांकि उन्होंने बाद में इस पार्टी को छोड़ दिया और बाद में उन्होंने पाकिस्तान हिंदू पार्टी का गठन किया था, जिसका झंडा केसरिया रंग का था। उसमें ओम और त्रिशूल अंकित भी हुआ करती थी, हालांकि उनका 2009 में निधन हो गया। 20 फरवरी 2015 को राणा हमीर सिंह के बेटे की शादी भारत में राजस्थान की पद्मनी से हुई थी। खास बात यह है कि उनकी जो बारात है वो पाकिस्तान के अमरकोट रियासत से भारत आई थी। राणा हमीर सिंह इस्लामिक देश पाकिस्तान में होने के बावजूद भी आज अपना जीवन बेखौफ होकर जीते हैं। उन्होंने एक बार पाकिस्तान के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ को भी ललकारा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हुआ था। आप भी देखिए उनके इस बेखौफ वीडियो को। मैं अरबाब साहब आपको एक बात कह देता हूं, तो ये ड्राइंग रूम की सियासत आप छोड़ो, ये जनरल मुशर्रफ के जो आपके पास में कॉन्टेक्ट्स हैं, वो कॉन्टेक्ट्स यूज करके राणे को डराने की कोशिश नहीं करना। अरबाब साहब, मैं लुटेरा नहीं हूं, मैं स्मगलर नहीं हूं, मैं खूनी नहीं हूं, मैंने कोई सरकार के खजाने का पैसा उर्द बर्द नहीं किया है। जो आप इन कॉन्टेक्ट से मेरे को डरा रहे हो कि आपको एनओसी नहीं मिली हुई, मैं आपको खबरदार करता हूं कि एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं लेना बीच में, अपने जाति मुफाद के लिए एस्टेब्लिशमेंट का नाम नहीं ले, वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल रहेगी। नहीं डरा, मैं नहीं रहूंगा। मैं राम सिंह नहीं हूं जो तुम्हारी आपकी गिदड़ भक्तियों से मैं भाग जाऊं। राणा यहां पे रहेगा। लगातार ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप हमारे तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप भारी मात्रा में शेयर करें। अगर अभी तक आपने कोविड-19 वैक्सीन की डोज नहीं ली है तो पहले की तरह आज भी हम आपसे अपील करते हैं कि आप कोविड-19 की वैक्सीन लें, अपने आप को और अपने परिवार को इस खतरनाक कोरोना महामारी से सुरक्षित रखें। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोरोना वायरस इस समय देश में कम अवश्य हुआ है, मगर कोविड-19 देश में ख़त्म नहीं हुआ है। तब तक के लिए आप सभी को हमारा धन्यवाद। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.